जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है, पार्टी के अपने नेता ही नाराजगी जाहिर करते जा रहे हैं। जिन विधायक के टिकट पार्टी ने काट लिए हैं, अब वो विधायक किसी और गाड़ी पर सवार होने की ताक में है। टिकट कटने के बाद सीधी के विधायक केदार शुक्ला ने भी बगावती सुर अपना लिए हैं। भाजपा ने सीधी से मौजूदा विधायक केदार शुक्ला का टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले से नाराज होकर विधायक केदार शुक्ला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक कर अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की। वहीं रीति पाठक को निशाने पर लेते हुए विधायक केदार शुक्ला ने कहा कि रीति पाठक ने भाजपा के लिए कभी जमीन पर संघर्ष नहीं किया। रीति पाठक नकली भाजपा है और मैं असली भाजपा हूं। पार्टी के कार्यकर्ता और जनता का समर्थन मेरे साथ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक केदार शुक्ला भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, आज तक वो किन खरी उतरी है, उन्होंने इस दिशा में क्या संघर्ष किया है। आंगनवाड़ी का फार्म भरने आई थी और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया और तमाम अधिकारियों के संपर्क के कारण और सब के कारण पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के रीतनीति सिद्धांतों पर उसने जो काम किया हो, तब सीधी में लड़ाई हमारी कांग्रेस से रही है और कांग्रेस से है। जो नकली भारतीय जनता पार्टी है वो तो जीरो पर जा रही है। भी कार्यकर्ता के पास संकट नहीं है, कार्यकर्ता समझदार है। आपने आज का हुजूम देख के अंदाजा कर लिया होगा कार्यकर्ता कहाँ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।